कहा था ना, तुझे गाड़ने के लिए मुझे ज्यादा गहरा खड्डा नहीं खोदना पड़ेगा। अब दीवान को झुकाने का अंजाम देख। अंजाम की परवाह वो करते हैं जिनके इरादे कमजोर हो। आज के बाद इरादे तो क्या, तू अपना नाम तक भूल जाएगा। जो घर से कफन बांध कर निकलते हैं वो अपना नहीं दुश्मन का नाम याद रखते हैं। तो फिर आज के बाद तू दीवान की दुश्मनी नहीं दिलावर का कहर देखेगा। तेरा कहर तो जहर बनकर मेरी रगों में दौड़ रहा है। जिसने दिलावर फटेगा तेरा नामो निशान तक मिटा देगा। निशान तो दीवान मिटाता है, और ऐसे मिटाता है कि आवाज तक नहीं आती। जब सक्सेना को मारा तो उसकी आवाज उसके हलक में अटक कर रह गई। तेरे बाप शंकर को मारा तो उसकी छाती के सुराखों में धस कर रह गई। जज की औरत को मारा तो ट्रेन के शोर में दब कर रह गई। बबलू को मारा तो उसकी आवाज इंस्पेक्टर की चीखों में खुलकर रह गई। और इंस्पेक्टर को मारा तो उसकी आवाज उसके सांसों में अटक कर रह गई। मगर अब जब मैं तुझे मारूंगा तो तेरी आवाज की गूंज सारे शहर को सुनाई देगा। ये तेरी खुशकिस्मती है दिलावर कि मेरे हाथ बंधे हुए, वरना इन्हीं हाथों से तेरा कलेजा निकालकर तेरे हलक में ठोंस देता। तोड़ डालो इसकी हड्डियां। देखा दिलावर का कहर। तू मुझे जान से मार दे दिलावर, इसी में तेरी भलाई है, क्योंकि अगर मैं बच गया तो कल तू नहीं बचेगा। कल से तेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है बेवकूफ। सक्सेना खानदान की जिन आंखों से तू देख रहा है उन आंखों को आज ही अपने साथ ले जाने आया हूं मैं, और इन आंखों में सुइयां चुभो चुभो कर मैं अपने इंतकाम की आग बुझाऊंगा और तेरे हार का तमाशा देखूंगा। तू मेरी हार का नहीं अपनी हार का तमाशा देखेगा, क्योंकि विजय पथ पर चलने के लिए हौसले की जरूरत होती है जो कुछ भी नहीं है। बांध दो इस खरंदारे को।